कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं लेकिन हमारे पास प्रत्यक्ष भी है प्रमाण भी है बहुत बड़ी बात बता रहा हूं वो प्रोग्राम वापस लेके आ रहा हूँ जिसकी लोग कस्मे खाया करते थे लीडरशिप फन प्रोग्राम वो प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ जिसके बारे में आज तक एक पार्टिसिपेंट नहीं मिला जो बोला एवरेज है हर आदमी बोलता रहा ढक्कन खुल गया ढक्कन खुल गया वो प्रोग्राम जिसमें मैंने कई लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाया वो प्रोग्राम जहाँ मैं और आप आमने सामने बैठते हैं आप मुझसे सवाल करते हैं मैं आपके जवाब वहीं के वहीं देता हूँ और मैं अगर आपके बिजनेस के सवाल का जवाब नहीं दे सका तो मुझको ट्रेनर रहने का भी अधिकार नहीं उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जिसमें पाँच हज़ार दस हजार हजार लोग स्टेडियम में नहीं है उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जो एक फाइव स्टार होटल में चुनिंदा लोगों के साथ करता हूँ उसको बोलते हैं लीडरशिप फन प्रोग्राम ये वो प्रोग्राम है जिसमें वो फ्रेमवर्क है जो अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट किए तो जे करव आना ही आना है ये वो प्रोग्राम है जहाँ मैंने बहुत लोगों की जिंदगी हमारे साथ में मिलकर के उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया प्रोडक्ट एक्सपैंड जोग्राफी एक्सपैंड रेवेन्यू एक्सपैंड मैन पावर एक्सपैंड लोगों ने बहुत कुछ एक्सपैंड किया चूँकि मैं आपके बिजनेस का

इट्स ग्रेट एक चूहे को शेर बनाने में सक्षम है ये प्रोग्राम प्रोग्राम इफ यू 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 टू टू स्टार्ट और सम गुड थिंग्स इन दिस इज फॉर ये एक बेसिक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है जिसको बोल सकते हैं हम जिसकी वजह से आगे हमारे को इतनी आर मिलने वाली है कि ये जीरो है उसके आगे ये कोर्स जो है ना कहानी किस्सों का नहीं है डायरेक्ट रिजल्ट है भाई डायरेक्ट इम्पैक्ट है यूज करो डायरेक्ट जाके अपने बिजनेस में बिजनेस को ग्रो करो छह साल बर्बाद करने से अच्छा मैंने छह महीने में ग्रेजुएशन हाथ में, हाँ में लेके खड़ा ऐसे लग रहा है असली ग्रेजुएशन तो अब हुआ

उसको तुम्हें कभी भूल नहीं सकता जिंदगी में एजुकेशन का दूसरा नाम डॉक्टर विवेक बिंद्रा हम सब के लिए सर आश्री कुछ नहीं। एनर्जी ऐसा है कि मरे हुए मुर्दे को भी जगा देवे अगर आपको बिजनेस में तरक्की करनी है तो विवेक जी को गुरु बना लो बिजनेस गुरु मतलब सिर्फ विवेक बिंद्रा ऐसे पर्सन पूरे डेकेट में पूरे में, में एक आध दो गिनती कहीं पैदा लेते हमें समय-समय पर कॉल करते रहे कंटिन्यू हमारे टच में रहे कोई भी हमको डिफिकल्टीज रही आउट ऑफ वे जाके ऑफिस के बाद भी उन्होंने हमारा समस्या का समाधान किया आज 6 महीने तक कोई हैंड होल्डिंग करके आपको ग्रोथ करवाने के लिए आपको ऐसे कोच मिलते रहेंगे तो 100% आप 10x अपने ग्रोथ मिलेगी 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 पक्का मिलेगी ये आपके पिताजी के तरीके से आपको हैंड होल्डिंग करके आपको आगे लेके जाते हैं असाइनमेंट इतने एक्सीलेंट हैं कि उस असाइनमेंट को करने के बाद ये लगता है कि वो शिट यार ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं जैसे आप फ्रेमवर्क लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है फ्रेमवर्क का इस आइडिया में कहां पे implement करना है? दिस प्रोग्राम इज फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट एंड टू प्रैक्टिस बस एक ही लाइन मेरे एमबीए के पैसे बच गए करू पर लीडरशिप दिया ही नहीं MBA करने। ये में गया था ना भूसा ये ढक्कर निकाल ना सर ने आज निकाल दिया मैम हंड्रेड परसेंट श्योर टू हंड्रेड परसेंट श्योर वन थाउजेंड परसेंट श्योर ये हंड्रेड वो रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने है। यहाँ पे आके तो बस आके क्या ढक्न क्या सब कुछ खुल गया एक बिजनेसमैन के लिए आई पर्सनली थिंक के उसको लीडरशिप फनल 120% नहीं 200% अटेंड करना चाहिए फिर सर ने तो कमाल कर दिया पूरा धक्का नहीं हटा दिया आउट रिक्वेस्ट यू फॉर दिस वर्कशॉप मेक अ चेंज टू योर लाइफ मेक अ चेंज टू लाइफ अराउंड यू मेरे भाई दो तरह के कोच मिल रहे हैं आपको एक जो आपको फ्रेमवर्क कराएगा पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के और एक कोच जो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी साथ में दे रहे हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको हम सौ से ज़्यादा बिजनेस के कोर्सेज इसमें फ्री देंगे क्या आप समझे ठीक समझो आपने सर इसमें हम आपको 12 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री दे रहे हैं और सुनिए बैच साइज इसमें लिमिटेड रहता है लीडरशिप फनल फिर बता देता हूँ ये वो प्रोग्राम है जिसकी लोग कस खाते हैं ये वो प्रोग्राम है जिसमें हर आदमी ने गेम मैं सुन लीजिए मेरी बात गेम विनर नहीं ये जिसने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया हो बिले नए का तो आपको फायदा मिलता ही मिलता है लर्निंग अर्निंग का ऐसे पावरफुल प्रोफेसर हैं हमारे साथ में सबकी पूरी लिस्ट है और ये सब आपको सिखाएंगे मेरे साथ में मिलकर के तीन दिन पहले मिलेंगे और एक दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी पे आपको फ्रेमवर्क हमारे साथ करने पड़ेंगे ग्रेजुएशन सेरेमनी में आपको हम सर्टिफाई करेंगे सुन लीजिए जरा फ़ोन कर लीजिए अभी फटाफट से इस समय कॉल जा रही होंगी बिज़ी इस समय वेटिंग पे चल रही होंगी कि कॉल सा फोन कर लेना आप जल्दी कर लो इसी बोर्ड लाइन नंबर पर कर लो थोड़ा वेट कर लेना

से अधिक पार्टिसिपेंट ने अक्रॉस अक्रॉस इंडिया अक्रोस इंडिया पार्टिसिपेशन किया और जबरदस्त उत्साह था लर्निंग इतनी सॉलिड थी पावरफुल थी कि डॉक्टर बिंद्रा रुक नहीं पाए 26 बिजनेस स्ट्रेटजीज एट पीस के अंदर क्योंकि बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है और उन्हीं सीक्वेंस के ऊपर

आप आगे बढ़ने वाले हैं आपने जीवन में अपने निर्णय लिया हुआ आगे बढ़ने का सब चमुच अपने सपनों को सच करने का वो कहते हैं दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंदर जी से मेरी एक बार मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे उनसे मैं सुन रहा था उनकी बातें भी सब सुनता हूँ उनकी किताबें पढ़ता हूं उनकी वीडियो देखता हूं तब उनसे मुझे उनका विजन झलकता है उनका विजन झलकता है जब वो कहते हैं मैं उनको महसूस कर पा रहा था क्योंकि मैंने खुद भी ये प्रॉब्लम महसूस करी अक्रॉस इंडिया एक करोड़ की आबादी जिसमें से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस एजुकेशन की जरूरत है परंतु तो तो पढ़ा जो सीखा चाचा मामा काका का, दादा या फिर शिक्षा से सीखा वो सब कुछ उन्नीसवीं सदी का आर्किटेक्चर जिन्होंने हमको पढ़ाया वो बीसवीं सदी के और हम इक्कीसवीं सदी के और इसमें भी तो देखिए विडंबना कि हम ऐसी सदी पे पहुंच गया जहां पर 2027 में जो परिवर्तन आना था कोविड डिमोनिटाइजेशन और बहुत सारी चीजों की वजह से पहले आ गया आज 2022 में जो परिवर्तन 2027 में देखना था वो आज हमारे पास में आ गया और ऐसे में समस्या बनती है कि इन कठिनाइयों को इन बदलते समीकरणों को हम हल कैसे करेंगे इसी बीच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा लेकर के आए बड़ा बिजनेस और बड़ा बिजनेस कम्युनिटी और वो हर एक बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो कि इसी इक्कीसवीं सदी का है जिसके रचयिता वो लोग हैं जिन्होंने किसी में अपने को बड़ा किया खड़ा किया और बड़ा किया भारत के, आज बड़ा के है, और बड़ा में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो सकती है अगर आपको किसी रिटेल इंडस्ट्री से तो जानते होंगे अमूल के एम डी आर एस सोडी जी को अगर आप मोबाइल के बारे में थोड़ा जानते हैं तो आप जानते होंगे मनु जैन जी को अगर आप अगर और आप किसी इंडस्ट्री से हैं अगर आप जानते हैं एजुकेशन से हैं तो आप जानते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने बिजनेस में क्रांति लेकर के आई आप जानते हैं राजेश अग्रवाल जी को जो कि टॉप फाइव हंड्रेड कंपनी कंपनी है ऐसे सत्तर से अधिक बिलियन प्रोफेसर बड़ा बिजनेस के साथ में है जो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए है आई होप मेरी आवाज आ पा रही होगी और इसी इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए लीडरशिप फनल बूस्टर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज आपके साथ में आज आपके साथ में एक ऐसी शख्सियत आपके सामने होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट है बड़ा बिजनेस जो वाइस प्रेसिडेंट है बड़ा बिजनेस जो कि आपके प्रॉब्लम्स का समाधान देंगे आपके गोल तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे आपको दिखाएंगे वह जर्नी जहां पर आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी और आज हमारे डेट साथ में बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के साथ में हजारों लाखों करोड़ों एंटरप्रन जुड़ते जा रहे हैं जिनकी समस्या का हल जिनकी समस्या का हल बड़ा बिजनेस के द्वारा मिल रहा है आज आज आपके सामने में आज आपके सामने में आपके, सामने में, आपके सभी प्रॉब्लम्स का हल मिलने वाला है आपके सभी गोल्स का तक पहुंचने का रास्ता मिलने वाला है एंड विदाउट एनी आई डो आई वुड लाइक टू इनवाइट द वाइस प्रेसिडेंट समाधान दे पाए वेलकम मोस्ट वेलकम मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, well, हूं निधि अनेजा मैडम आपका इस मंच पर और क्योंकि पूरी जनता बेताब है यहां पर तीन से अधिक लोग हैं जो कि सुनना चाहते हैं

और मुझे पता चला है कि लोग मेरे वेबिनार्स जो हैं वो अब सुनना शुरू कर चुके हैं उनको पता है कि मैं जब वेबिनार लेती हूँ तो बहुत क्रिस्प इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स के साथ शेयर करती हूँ बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो हमारे कस्टमर्स को हेल्प करती है तो कोई भी ऐसा डिस्कशन आज के इस वेबिनार में नहीं होगा जिसमें कोई ऐसी बात होगी जो आप लोगों के मतलब की नहीं होगी सो तो इस वेबिनार को जब मैं स्टार्ट करूंगी तो आपको सबसे पहले मैं पर्पस डिफाइन कर देती हूँ इस वेबिनार का ये वेबिनार हम इसलिए कर रहे हैं कल हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम बूस्टर uh, प्रोग्राम हुआ था जो कैप्सूल प्रोग्राम हुआ था जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लिया था एंड आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर आप लोगों को ये प्रोग्राम जो सर ने प्रोग्राम कल कंडक्ट किया था वो बहुत ही पावरफुल लगा होगा और उसके इतने ज्यादा फीडबैक्स हम लोगों के पास आ रहे हैं कि आज पूरा दिन हमारे कॉन्टेक्ट सेंटर में हमारे आई के पास जितने भी हमारे लोग आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं उनके पास भर भर के कॉल्स आई हैं कि सेशन बहुत ही पावरफुल सेशन था तो जब हम लोगों ने एक ऐसा सेशन अटेंड किया है जो बहुत ही पावरफुल सेशन है लेकिन उस सेशन में हम लोगों के कुछ डाउट्स रह जाते हैं बहुत सारे लोगों के डाउट्स रह जाते हैं कि क्या ये सेशन जो विवेक सर इतनी सारी चीजें बता रहे हैं क्या ये मेरे लिए पावरफुल है क्या ये मेरी मतलब की चीज है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा बता रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन वो वहां पर पूछ नहीं सकते एंड आई एम श्योर आप लोगों का पूछने को मन भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि सेशन इतना पावरफुल था कि बस मन कर रहा था कि सर अब एक और स्ट्रैटेजी बताएं अब एक और स्ट्रैटेजी बताएं एक बताएं दो बताएं तीन बताएं छब्बीस स्ट्रैटेजी विवेक सर ने बताई और पांच घंटे सेशन लगा चलता रहा और हमारी जितनी भी जनता है वो आराम से उस सेशन को सुनती रही और बाद में जब फीडबैक कॉल्स हम लोगों ने लिए तो इट वॉज पावरफुल तो आज का जो सेशन है उसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ पहला पार्ट है आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल जो यहाँ पे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं दूसरा सेशन दूसरे दूसरे उसमें मैं प्रोसेस करूंगी जब हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के बारे में बात करेंगे तीसरा सेशन में मैं बात करूंगी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको कैसे हेल्प कर सकता है देखिए हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक गोल एक मोटो बना रखा होता है आप जब भी कोई वेबिनार अटेंड करने आते हैं या जब भी कोई आप कोई सेशन अटेंड करते हैं तो उसके पीछे एक पर्पस होता है बिना पर्पस के आप यहाँ आज मुझे सुनने के लिए नहीं आए हैं आई एम श्योर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में इस टाइम चल रही है या आपको परेशान कर रही है कि मेरे को अगर इस चीज का समाधान मिल जाए तो शायद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आज की डेट में चल रही है मैं उससे उसको ओवरकम कर जाऊंगा और मेरी लाइफ थोड़ी स्मूद हो जाएगी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आज की डेट में जितने भी कस्टमर्स से मैं बात करती हूँ सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो ये आता है कि निधि मैम कस्टमर्स नहीं है मैम हमारा बिजनेस तो हम चलाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कस्टमर्स नहीं है हमें समझ में नहीं आ रहा कि कस्टमर्स कैसे लेके आए दूसरा जो मैं आज की डेट में समझने की कोशिश करती हूँ कि जब मेरे से क्वेश्चनिंग होती है लोग मेरे से बात करते हैं तो बोलते हैं मैम कस्टमर आ तो जाता है लेकिन कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है कंपटीशन इतना डिस्काउंट दे रहा है कि हम कस्टमर्स जो हैं हमें उनको डिस्काउंट देना ही पड़ता है और जब हम डिस्काउंट्स देते हैं तो हमारे पास कोई मार्जिन नहीं बचते हैं तो आप मुझे प्लीज हेल्प कीजिए और बताइए कि मैं डिस्काउंट देना कैसे बंद करूं थर्ड होता है कि कस्टमर ज्यादातर ये बात करते हैं कि हमारा कस्टमर जो आ रहा है हमारे पास एक बार तो हमसे परचेज कर लेता है लेकिन थर्ड टाइम वो हमसे परचेज नहीं करता है कोई रिटेंशन नहीं कर पाते हम कस्टमर का स्टूडेंट ज्यादातर मेरे पास आकर ये क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं आप हमें बताइए क्या ये राइट right टाइम है स्टार्टअप स्टार्ट करने का फिर हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं जो ये कहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स कि हम आज जॉब में हैं जॉब हमारी अनस्टेबल है बहुत सारी कंपनीज ने फोर्टी परसेंट सैलरी कट्स कर दी हैं। आप हमें बताइए कि क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के यहाँ पे कोई ऐसा रिस्क फ्री बिजनेस है जिसमें अगर आज हम जॉब में रहते रहते एंटर कर जाएं तो कल को अगर भगवान ना करे क्योंकि कोविड आगे चलता जा रहा है हमारी लाइफ में हमारी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए कोई हम रिस्क ना लें तो तीन तरीके के कस्टमर्स को आज मैं एंटरटेन करूंगी तीन तरीके के कस्टमर्स की मैं प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करूंगी तीन तरीके के लोगों के चैलेंजेस जो आएंगे मैं उनको डिस्कस करूंगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम की कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम में है क्या लीडरशिप फनल प्रोग्राम है किस चीज के लिए लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इनसाइट्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा की अपनी कंपनी के बारे में और हमारी बड़ा बिजनेस के बारे में हमारी जर्नी के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ तो पहले मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ उसके बाद हम बात करेंगे आगे के सेशन की तो आई एम श्योर आप लोग भी सब एक्साइटेड होंगे कि हम किस तरीके से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम आज की डेट में हेल्प करती है लोगों की या हेल्प करती है यू uh, नो you know, आप आप जैसे कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए तो uh, एक बार मैं आप लोगों तो के आगे प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं लेती रहूंगी मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दूंगी आपको बोलने के लिए कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर्स राउंड लूंगी लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए लूंगी लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए लूंगी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के लिए लूंगी आप कैसे कमा सकते हैं हमारी कंपनी में हमारे साथ जुड़कर कमाने के बाद क्या क्या रिस्क भी रह जाते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अब तो मैंने पैसा दे दिया बड़ा बिजनेस को बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के अब तो हम कमाएंगे कमाएंगे हम चुपचाप बैठेंगे और हमारी जेब में पैसे आते रहेंगे ऐसा मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ ना मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उतना ही फल मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूंगी कि सबसे पहले हम बड़ा बिजनेस को जान लेते हैं वॉट इज बड़ा बिजनेस फिर मैं बड़ा बिजनेस के बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी और बड़ा बिजनेस के बैकग्राउंड को बताने के बाद मैं आपसे डिस्कशन करूंगी कि हम आज जो आपसे मिले हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को हम कैसे पूरा करने वाले हैं तो एक मिनट के लिए आप लोगों से मैं माफी चाहूंगी कि एक सेकेंड का आपसे समय लूंगी और उसके बाद फिर हम इस कंटिन्यू करेंगे इस पीपीटी को हम पहले प्रेजेंटेशन देखेंगे फिर हम कोर्सेज के बारे में जानेंगे फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम सारे आपको एक साथ पूरा करेंगे सो so, मैं स्टार्ट कर देती हूँ एक मिनट के लिए आप लोगों को मुझे समय देना पड़ेगा ठीक है तो क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो एक बार हैंड ब्रेस कर दीजिए कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ऑल राइट right. फाइन सो हम हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट उसके ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बैकग्राउंड जो है आपको बताने की जरूरत नहीं है आपने कल डॉक्टर बिंद्रा को सुना है आपने तीन घंटे का प्रोग्राम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का सुना है जिसमें आपको ये समझ में आया है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर है फाउंडर एंड सीईओ है बड़ा बिजनेस के और इंटरनेशनली नोन स्पीकर है ऐसा नहीं है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सिर्फ इंडिया में लोग जानते हैं तो जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करने आते हैं तो आपको बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे जो आपको कोई ऑस्ट्रेलिया से दिखेगा कोई यूएस से दिखेगा कोई आपको लंदन से दिखेगा और वो सब लोग जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो अटेंड करने के लिए आते हैं अच्छा यहाँ पर अगर हम डॉक्टर बिंद्रा की बात करें तो आप सबको पता होगा कि हमने बहुत सारे गिनीज बुक्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जब जब लॉकडाउन आता है हम अपने वेबिनार्स लेकर आते हैं हम अपने अपने वेबिनार्स इसलिए लेकर आते हैं ताकि कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले कि जब जब लॉकडाउन लगेगा तब तब आप लोगों की लर्निंग बढ़ेगी लर्निंग लर्निंग बढ़ने का मतलब है कि आपको इस टाइम पे कोविड के टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे आपको कैसे कैसे हम कर सकते हैं हम आंट्रप्रोर्स की हेल्प कर रहे हैं बिजनेस ओनर्स की हेल्प कर रहे हैं हम आप जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं ऑन्ट्रप्रनर्स हैं स्टूडेंट्स हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी अगर कोई भी चैलेंजेस हैं चाहे वो कमाना चाहते हैं चाहे वो बिजनेस करना चाहते हैं या उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंज है पर वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और उनकी पूरी टीम उनकी हेल्प कर रही है हमारे आ, हमारे पांच मिलियन से ऊपर बिजनेसमैन आज के डेट में ट्रेंड हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स ऑन्ट्रप्रन्य हंड्रेड थर्टी थ्री कंट्रीज में हैं और लॉकडाउन के टाइम पे हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है अगर मैं बात करूँ हमारी कंपनी आई एम sure श्योर आप लोगों को पता होगा बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है और ये इनिशिएटिव डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है ये फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एटेक है जिस कंपनी के मतलब पूरी के पूरे नेशन को जिसने चेंज कर दिया है अगर मैं आप लोगों से बात करूं हमारी जनता ज्यादातर हमारी जनता या ज्यादातर लोग जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं वो सारे वो लोग हैं जो गांव शहर ऐसी ऐसी जगह पे आपको लोग मिलेंगे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं जहां पर लोगों का गाड़ियों से पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम वहां पहुंचकर उन लोगों को ट्रेन कर रही है आज की डेट में और वे सारे के सारे ओनर्स बन चुके हैं ऑन्ट्रप्रन्योर्स हमारे साथ कनेक्टेड है स्टार्टअप्स हमारे साथ कनेक्टेड है और इतने सारे मैनेजमेंट टूल्स हमने आप लोगों को दे रखे हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं <coughs> आपको बहुत सारा हमने कंटेंट दे रखा है जो सोलो सोलो सोलोप्रन्य को हेल्प करता है आंट्रप्रन्य को हेल्प करता है और वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है हमारी ग्लोबल प्रेजेंस भी है हमारी प्रेजेंस <coughs> है अक्रॉस इंडिया हमारे पार्टनर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर एवरीवन थोड़ी सी तबीयत खराब है लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं ये सेशन करूंगी तो आज इस सेशन के लिए आई हूँ हमारी पार्टनर्स हैं नेपाल में हमारे 125 चैनल पार्टनर्स हैं 23,000 थ्री जो है हमारे साथ काम कर रहे हैं और सारे रीजन्स में हम लोग जो है हमारा नेटवर्क फैला हुआ है अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है जो आपने कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बूस्टर देखा था फिर आपको बताऊंगी मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में और तीसरा मैं बताऊंगी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के लिए अब व्हाट इज लीडरशिप फनल प्रोग्राम मैं इस इवेंट के बारे में बाद में बात करूंगी कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आपको क्या मिलता है क्या फायदे मिलेंगे कैसे सेशंस मिलेंगे क्लोजिंग कैसी रहेगी ओपनिंग ये सब सारी चीजें बाद में डिस्कस होंगी सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम किन लोगों के लिए तो अगर आप कोई बिजनेस मैन है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अभी आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि पेंडेमिक के टाइम पे जब पूरी इकोनॉमी क्राइसिस में है इस टाइम पे मैं क्या करूं क्या मैं अब बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं स्टार्ट करूं स्टार्टअप स्टार्ट करूं तो किस तरीके के स्टार्टअप स्टार्ट करूं तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके लिए राइट right प्रोग्राम है उसके बाद में आती हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है लेकिन बिजनेस जो है एक लेवल तक पहुंच गया है अब मुझे अपने बिजनेस को स्केलेबल मॉडल पे लेके जाना है फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि मैं दो तक एक करोड़ का टर्नओवर करूंगा एक करोड़ का टर्नओवर मेरा हो चुका है अब मैं अपने इस लीडरशिप फनर प्रोग्राम के थ्रू या मेरे बिजनेस के गोल है कि अब मुझे इसको दो करोड़ तीन करोड़ चार करोड़ पे लेके जाना है तो ये आपको उन लोगों को मैं अभी एड्रेस करूंगी थर्ड होता है कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि मैम हमने, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए अब हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टर्स लेकर आना चाहते हैं तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा उन सारे बिजनेसमैन को जो इन तीन स्टेजेस के अंदर आज के डेट में स्टार्टअप करना चाहते हैं बिजनेस को स्केलेबल मॉडल पे ले जाना चाहते हैं थर्ड प्रोग्राम होता है कि थर्ड कैटेगरी होती है जहां आप अपने बिजनेस में फंड्स लेकर आना चाहते हैं फिर आते हैं हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ये बोलते हैं कि जॉब तो मैंने कर ली बहुत अब मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ स्टार्टअप करना चाहता हूँ फोर्थ आता है हमारे पास वो यंग स्टूडेंट्स या वो यंग ऑन्ट्रप्रन्योर्स जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ बिजनेस स्टार्ट कराएं लेकिन आज की डेट में हम क्या बिजनेस स्टार्ट कराएं कैसे बिजनेस स्टार्ट कराएं ना हमारी फैमिली में कोई बिजनेस करता है तो देखिए कितना बड़ा रिस्क है काफी सारे लोग जब आते हैं ये बोलते हैं ना मेरी फैमिली में कोई बिजनेस है ना मेरे मम्मी ना मेरे पापा ना हमारी फैमिली में लेकिन बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है वो क्यों बनना चाहता है क्योंकि उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है बिजनेसमैन बनने का तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम हर उस कस्टमर की प्रॉब्लम को हल करता है जो जो इस प्रोग्राम के अंदर आकर अपनी बहुत ज्यादा लर्निंग लेना चाहते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करने वाला है देखिए तीन दिन का प्रोग्राम है आपने जो कल अटेंड किया है प्रोग्राम वो सिर्फ कैप्सूल फॉर्म में अटेंड किया है इस तीन दिन के के प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बहुत ही पावरफुल कंटेंट होता है जो सर कवर करते हैं मॉर्निंग में नाइन ओ से लेकर रात के नाइन ओ तक ये प्रोग्राम चलता है इस प्रोग्राम के अंदर हम हर वो चीज डिस्कस करते हैं जिससे आपके बिजनेस में आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको लीगल लाइसेंसिंग वर्क क्या कराना है आपको अपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने होंगे जब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उतना उसमें कितना वर्किंग कैपिटल रखना होता है डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प करती है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो आते हैं ज्यादातर वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते लेकिन एक आइडिया होता है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है तो स्टार्टअप्स के लिए जिनके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन हैं मैं अपना बिजनेस कैसे शुरू करूं मेरे फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है लेकिन मेरे पास आइडिया है बिजनेस आइडिया है अब मैं अगर स्टार्ट करना चाहूं अपना बिजनेस तो मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं क्या कोई है जो मुझे मेंटोरशिप देगा क्या कोई है जो मुझे हेल्प कर देगा कि मैं बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाहूं तो स्टेप बाय स्टेप मेरी जिंदगी में कोई अवेलेबल रहे जो मुझे मदद करता रहे फिर जो लोग हमारे साथ बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस में आज की डेट में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि नया कस्टमर आ नहीं रहा है पुराना कस्टमर जो है वो रिटेन नहीं हो पा रहा है हमको कॉस्ट जो है हमारी बढ़ती जा रही है प्रॉफिट्स हमारे कम होते जा रहे हैं हम जिस भी बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं जिस भी प्रोडक्ट में हाथ डाल रहे हैं मार्केट में डिस्काउंटिंग इतनी ज्यादा है कि हमें हार कर डिस्काउंट देना पड़ता है हमें क्यों डिस्काउंट देना पड़ता है ये सारी चीजें आपको लीडरशिप फनर प्रोग्राम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है बताते हैं कि किस किस तरीके के लोगों को और किस तरीके के प्रोडक्ट को आप हमको डिस्काउंट देना पड़ता है फिर आ जाते हैं वर्किंग प्रोफेशनल जो बार बार अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछते हैं जॉब्स का तो हमें पता नहीं जॉब्स रहे या ना रहे अच्छा अब अब इस टाइम पे पेंडेमिक में बिजनेस स्टार्ट करूं तो समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा तो तो जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आते हैं तो आपको, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बताते हैं कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितनी वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में होनी चाहिए जब आप बिजनेस को स्केलेबल मॉडल पर लेके जाते हैं तब आपके हाथ में आपके पास कितने प्रॉफिट होने चाहिए कितने परसेंट प्रॉफिट्स होने चाहिए कि अब आप अपने बिजनेस को स्केलेबल मॉडल पर ले जाना चाहते हो अगर आप अपने बिजनेस में फंड्स चाहते हो आप चाहते हो कि कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में आए तो उस टाइम पे उस इन्वेस्टर के सामने जाने से पहले बहुत लंबी चौड़ी बैकएंड पे प्रिपरेशन होती है आपको अपनी बैलेंस शीट ठीक से प्रिपेयर करनी होती है बैलेंस शीट्स में प्रॉफिट्स नजर आने चाहिए आपकी जो मैन पावर होती है जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपके प्लान ए और प्लान बी बहुत सॉलिड होने चाहिए अगर मान लो कभी आपके बिजनेस में कोई रिस्क आता है तो क्या आपने रिस्क के पूरे प्रोग्राम्स बना रखे हैं पूरी प्लानिंग कर रखी है कि अगर भगवान ना करे कि मेरा रिस्क मेरे बिजनेस में कोई रिस्क आ जाए तो प्लान ए है ए ये है प्लान बी ये है तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा मुझे बिजनेस करना सिखा दो मेरा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा मुझे मेरा बिजनेस करना सिखा दो सिर्फ बिजनेस आपका जो बिजनेस नहीं चल रहा हर बिजनेस तीन या चार चीजों पे टिका होता है जो मैं हमेशा सारे कस्टमर्स को बताती हूँ हर बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है कि मेरे पास नया कस्टमर कैसे आएगा मैंने दुकान खोल ली शोरूम खोल लिया अपनी बिजनेस की पूरे पूरे गोडाउन खोल लिए अब मेरे पास कस्टमर कैसे आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर आएगा तो आपके पास पैसा आएगा आपका जो माल मार्केट में पड़ा हुआ वो बिकेगा लोग आपको जानना शुरू करेंगे सो so, मेरे पास कस्टमर कैसे आएगा अगर कस्टमर मेरे पास आ गया तो मैं ऐसी क्या चीजें करूं जिससे कस्टमर रुक जाए मेरे पास मेरे प्रोडक्ट में मेरी टेक्नोलॉजी में मेरी मैन पावर में मेरी सर्विस में मेरे मेरे पूरे बिजनेस के ओवरऑल मॉडल में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए ऐसा मैं क्या करूं जिससे कोई अगर कस्टमर एक बार मेरे पास आ जाए तो दोबारा वो मेरे पास जरूर आए और जब भी आए अपने पांच कस्टमर्स को लेकर आए तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिले लीडरशिप फनल प्रोग्राम के थ्रू अब मैंने अपना प्रोडक्ट भी है मेरे पास मैन पावर भी है मेरे पास लेकिन मार्केट में तो कोई मुझे जानता ही नहीं मार्केट में हजारों निधि अनेजा की शॉप्स होंगी जो कस्टमर्स नहीं जानते हैं मैं अपनी ब्रांड को वायरल कैसे करूं मैं अपने प्रोडक्ट को जनता तक कैसे लेके जाऊं जनता को कैसे पता चले कि मैं भी एक छोटा सा दुकानदार यहां पर बैठा हूं जो बाकी दुकानदारों से अच्छा प्रॉफिट दे रहा हूँ सॉरी प्रोडक्ट दे रहा हूँ सर्विसेज दे रहा हूँ और लोग मुझे जाने मेरी सर्विसेज के लिए मेरे प्रोडक्ट के लिए तो ये पूरा का पूरा बिजनेस का जो प्रोग्राम होता है ये स्टार्ट होता है तीन दिन का इवेंट होता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा इसे नाइन ओ क्लॉक मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं नाइन ओ क्लॉक मॉर्निंग में स्टार्ट करके रात के नाइन ओ क्लॉक तक ये प्रोग्राम चलता है जिसमें हमारे पास लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं दो सौ के आसपास हम दो सौ ढाई सौ के आसपास हम बैच बनाते हैं और तीन दिन के लिए इस प्रोग्राम को चलाते हैं ये प्रोग्राम आपका तीन दिन चलता है तीन दिन चलने के बाद इसमें बहुत सारी नई नई चीजें अब हमने ऐड की हैं पहले जब हमने लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते थे तीन साल पहले तो इसको सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा ओन करते थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रोग्राम में सारा टाइम अवेलेबल रहते थे अभी भी अवेलेबल रहते हैं लेकिन इस टाइम पे हमने मल्टीपल स्पीकर भी ऐड किए हैं फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मनु जैन वहां पर आते हैं एक बार मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ मनु जैन आते हैं क्योंकि वो हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं बड़ा बिजनेस पे तो बहुत सारी चीजें आपको मनु जैन से सीखने को मिलेंगी कि उनकी जर्नी एक स्क्रैच से लेकर जब वो जमीन पे थे जब उनके पास कोच कुछ भी नहीं था ना नाम था ना पैसा था वहां से लेकर आगे तक वो लोग कैसे गए देखो मैंने शुरू से बचपन से एक ही चीज सीखी है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे आप उन लोगों के साथ रहोगे जिनसे आप कुछ लर्न कर सकते हो तो जिंदगी में आपको लर्निंग्स अच्छी मिलेंगी तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग किस तरीके के लोग हैं क्या वो इस तरीके के लोग हैं कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं उनकी लर्निंग्स बहुत ज्यादा है उन्होंने बहुत ज्यादा आगे जिंदगी में सीखा है या ऐसे लोग हैं जो आराम प्रस्त हैं, जो कहते हैं भाई कोविड का टाइम चल रहा है छब्बीस जनवरी चल रहा है तू भी बैठ मैं भी बैठ चल पार्टी करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सक्सेस कहां तक ले जाना चाहते हैं सो कमिंग बैक टू लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपको ओपनिंग इवेंट तीन दिन का मिल जाएगा मल्टीपल स्पीकर इसमें आपको मिलेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक स्पेसिफिक पावरफुल कॉन्टेंट आपको मिलेगा ये सारा कंटेंट मैंने तीन तरीके के कस्टमर्स के लिए बताया है पहला कस्टमर जो स्टार्टअप है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है दूसरा कस्टमर है जो ये कहता है कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया अब मुझे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल मोड पे लेके जाना है अपने बिजनेस को स्केलेबल मोड पे लेके जाना है मुझे एक फ्रेंचाइजी से दस फ्रेंचाइजी बनानी है मुझे अपने ब्रांड को वायरल करना है मुझे लोगों के तक अपने अपने प्रोडक्ट को अपने बिजनेस को अपनी सर्विसेज को पहचाना पहुंचाना है और फिर आ जाता है लास्ट लोग कहते हैं पैसा तो बहुत कमा लिया अब मुझे इन्वेस्टर लेकर आना है अपने बिजनेस में अब मुझे फंड्स चाहिए अपने बिजनेस में तो अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आपके बिजनेस में इस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं आई एम श्योर लीडरशिप फनर प्रोग्राम इज दी राइट प्रोडक्ट फॉर यू आपने देख लिया है कल की छब्बीस जनवरी की छब्बीस स्ट्रैटेजीज वो सिर्फ एक ट्रेलर था वो एक सिर्फ ट्रेलर था आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर जिसने भी चाहे कितना भी बड़ा पुराना बिजनेसमैन हो जब अगर उन्होंने कल का प्रोग्राम अटेंड किया था तो उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया होगा सोचने का नजरिया बदला होगा पता चला होगा अरे मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं लेकिन मुझे ये चीज नहीं पता थी कि इस तरीके से एचआर भी वर्क करता है इस तरीके से नई नई चीजें हम मार्केट के अंदर लेकर आ सकते हैं छोटे छोटे बदलाव आपको हेल्प करते हैं इसके बाद हमारे पास जब हम बात करते हैं तो हमारा जो ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम होता है ये हमारा बारह महीने के लिए ये प्रोग्राम चलता है तो जैसे ही आप तीन दिन का प्रोग्राम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का अटेंड करके आएंगे अटेंड करने के बाद इमिजिएटली आपको कोच को हैंडओवर कर दिया जाएगा अब कोच क्या होता है कोच होता है जो कि सर्टिफाइड कोचेस हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उन्हें उन कोचेस को ट्रेन किया है अब क्या होगा कि जैसे ही आप तीन दिन का प्रोग्राम अटेंड करके आएंगे फोर्थ डे आपको आपके कोच से इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपको आपको कोच आपको कॉल करके बताएगा हाई माई नेम इज निधि आई एम योर कोच सर मैं आपकी कोच हूँ आप मुझे बताइए ये आपके पास कब सही टाइम है आपसे पूरा डिस्कशन करने के लिए कोच आपके बिजनेस का पूरा बैकग्राउंड जानेगा आपके बिजनेसेस के चैलेंजेस जानेगा आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है वो सब जानेगा और उसके बाद कोच आपके साथ अपना नंबर एक्सचेंज करेगा आपके पास भी कोच का नंबर आएगा उनके पास भी आपका नंबर आएगा और कोच मॉर्निंग नाइन टू सेवन आपके पास अवेलेबल रहेगा वीक में एक बार कोच आपको कॉल करेगा आपके असाइनमेंट्स कराने के लिए अब असाइनमेंट्स क्या होते हैं मैं बता देती हूँ आप जो सेशन अटेंड कर कर आ रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो तीन दिन का सेशन है उस सेशन के कंटिन्यूएशन में हमारे 25 पावरफुल असेसमेंट्स हैं जो कि वीडियो के फॉर्म में है और असेसमेंट्स के फॉर्म में है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपनी डाउनलाइन प्रिपेयर करनी है तो मैं मैं एक बिजनेसमैन से मिली जिन्होंने बोला निधि मैं एट्टी फाइव परसेंट एटी फाइव करोड़ की टर्न पे पहुंच गया हूं लेकिन आज भी मैं धंधे में सारा टाइम बिजी रहता हूं तो मैंने कहा सर आप अपने आप को डेली ऑपरेशन से कब बाहर निकालेंगे आप कब अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे जब आपकी जगह पर कोई और 84 85 करोड़ जो है वो संभाल ले और आप जो है 100 करोड़ 200 करोड़ की तैयारी करें कोई है आपके बिजनेस में ऐसा जिसको आप 84 85 करोड़ को संभालने के लिए तैयार कर सकते हैं ग्रूम कर सकते हैं इसे की निधि मैम मैंने इतना तो कभी सोचा नहीं तो मैंने कहा सर सोचिए आपके पास टाइम लिमिटेड है आपके पास अनलिमिटेड मैन पावर है अगर आप 85 करोड़ से 200 करोड़ पे जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को इन डेली ऑपरेशन से बाहर निकालना पड़ेगा और जो जो चीजें आप अपनी डाउनलाइन को दे सकते हो अब वो सारी चीजें अपनी डाउनलाइन को दे दो और उनको ग्रूम कर दो और उसके बाद आप बड़ी तैयारी करो ये छोटी तैयारी तो आप कर चुके हो अब इससे भी बड़ी तैयारी करो तो हमारा पच्चीस फ्रेमवर्क में से एक फ्रेमवर्क होता है हाउ टू कल्टिवेट नवरत्नाज अपने नीचे नवरत्नास को कैसे प्रिपेयर करो जो आपकी एब्सेंस में पूरे बिजनेस को आ, संभाल सके तो उस तरीके के पावरफुल फ्रेमवर्क्स आपको कराए जाएंगे जिससे आप आगे भी कंटिन्यू कर सके अपने प्रोग्राम को तो छह महीने बाद कोई भी अगर इस प्रोग्राम को अटेंड कर लेगा छह महीने बाद क्योंकि कोच आपकी डेली चैलेंजेस को भी हेल्प करेगा तो उस उन चैलेंजेस को जब आप ओवरकम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे छह महीने में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि छ महीने के बाद जब आप वापिस मुड़कर अपने आप को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी अब बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मुझे बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है क्योंकि मुझे सारी स्ट्रेटजीज एंड फ्रेमवर्क्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर चुका हूं ये मैंने इंप्लीमेंट किया तो ये सक्सेस मिली ये मैंने इंप्लीमेंट किया तो मैं फेल हुआ मैंने दोबारा इसको इंप्लीमेंट किया और मैं सक्सेसफुल हो गया देखिए हर चीज के पीछे एक रीजन होता है और हर एक काम के पीछे बिजनेस में स्पेशली स्ट्रैटेजी बहुत काम करती हैं बिजनेस चलता ही स्ट्रैटेजीज के ऊपर है अगर कोई ये सोचे मैं आज गले पे बैठा हूं मैंने पूरा दिन प्लान नहीं किया तो आपका दिन फेल है आपका दिन फेल है आप जब शॉप पर जाएं, आप जब दुकान पे जाएं, जब जा आप अपने बिजनेस में जाएं, अपना पूरा दिन प्लान करके जाएं। मैं अपने टाइम की सही इन्वेस्टमेंट कहा करूंगा मेरे नीचे कितने लोग हैं जिनको मैं प्रिपेयर करना शुरू कर दूं क्योंकि मुझे आगे बड़ी तैयारी करनी है मेरी टीम के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई करूं कि भैया अब तुम्हें ग्रोथ मिलेगी अब तुम्हारे को उस हम आगे लेके जाएंगे जब आप ग्रो करते हैं कंपनी ग्रो करती है तो आपके नीचे वाले ग्रो करते हैं तो कंपनी में अपने आप खुशहाली आती है सो कमिंग बैक टू लीडरशिप फनल प्रोग्राम आप छह महीने के बाद इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको कभी भी बिजनेस में कोई चैलेंज नहीं आएगा ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ लीडरशिप फनल प्रोग्राम इतना पावरफुल प्रोग्राम था कि हमने तीन साल पहले इस प्रोग्राम को जब किया था उसके बाद हमने ये प्रोग्राम बंद कर दिया था क्योंकि इसमें फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत रहती है मतलब तीन दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्लोज रूम डिस्क करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स जानते हैं आपके बिजनेस के मॉडल आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं आप सोचिए चार, चार लाख प्लस जीएसटी एक घंटे का लगता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिलने का उनसे उन उनसे उन, उन उनकी प्रॉब्लम अगर आपके बिजनेस में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आप डॉक्टर बिंद्रा से पूछना चाहते हैं आप चार लाख प्लस जीएसटी देके के एक घंटे का सेशन अटेंड करते हैं यहाँ तीन दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक क्लोज रूम में आपके साथ है जहां आप उनके साथ अपने बिजनेस के बारे में और बिजनेस की स्ट्रेटीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इस तरीके से लीडरशिप फनल प्रोग्राम चलता है जब आप ये प्रोग्राम अटेंड करके हटते हैं तो जितने लोगों ने आपके साथ लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड किया होता है उनका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देते हैं एक बैच बना देते हैं तो क्या होता है ना अच्छे लोग अच्छे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं हमारा नेटवर्क बन जाता है और आपका जो कोच है उस ग्रुप में भी आपको मैसेजेस डालता रहता है जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं एक साल तक आपको कोचिंग मेंटरिंग मिलती रहती है आपकी प्रैक्टिस होती रहती है एक साल के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक क्लोजिंग सेशन होता है जिसमें वो आपको कोच कोची का प्रोग्राम भी कराते हैं वो आपसे पूछते भी हैं कि आपने इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ कल मेरे पास मेरी टीम का एक टीम मेंबर आया उसने बोला मैम सर्जिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स में कोई गुजरात से कोई कस्टमर है लीडरशिप फनल प्रोग्राम का मेरे पास एक कस्टमर है जो पहले फीडबैक लेना चाहता है आप सोचिए कितना कॉन्फिडेंस है हमें अपने इस प्रोडक्ट पे मैंने सिर्फ एक मैसेज डाला ग्रुप पे 25 21 बैचेस में मैं एडेड हूं 21 के 21 बैच किए थे हमने आज से तीन साल पहले मैंने सिर्फ एक मैसेज सारे ग्रुप में डाला मैंने मैसेज पे सिर्फ ये लिखा हाय सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पर्सन जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स में काम करते हैं या उनका कोई बिजनेस है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली पच्चीस इंक्वा मतलब पच्चीस आंसर आए जिसमें मैंने उनको फोन नहीं किया मैंने सिर्फ बोला मेरा एक कस्टमर है जो लीडरशिप फनर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है लेकिन वो पहले सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जानना चाहता है इमीडिएटली मेरे पास कैन आई शेयर योर फीडबैक और सॉरी कैन आई कैन आई गिव योर रेफरेंस मेरे पास उनके इतने जवाब आए मैंने कुछ नहीं किया मैंने वो व्हाट्सएप चैट ऐसे की ऐसे उठाकर अपने टीम मेंबर को दे दी और मेरे टीम मेंबर ने उस कस्टमर को दे दिया उसमें किसी ने लिखा मेरी एक दुकान थी मेरी चार दुकान बन गई इट वॉज ऑसम इट वॉज वंडरफुल मेरे मेरे को बिजनेस नहीं आता था आज मैं बिजनेस में मुझे कोई हरा नहीं सकता कॉम्पिटिशन में मैं इतने आगे निकल चुका हूँ तो ये सारी चीजें जो है ना ये हमें हम लोगों को और मजबूत करती है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम जब जब हम लेकर आते हैं हमारे कस्टमर जो है इस तरीके के हमें फीडबैक देते हैं हमने अपने सारे बैचेस जो है वो क्लोज कर दिए थे लेकिन अब हम दोबारा लीडरशिप फनर प्रोग्राम के साथ आए हैं एक बैच हमने अभी और ओपन किया है 11 12 13 मार्च के लिए अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान लेना है आपको बिजनेस का पता ही नहीं है कि अब कोविड में कोविड के टाइम पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे लोग परेशान हो रहे हैं मैं अपने बिजनेस को कैसे चलाऊं प्रोडक्ट को कैसे मार्केट तक लेके जाऊं कस्टमर्स को कैसे रिटेन करूं प्रॉफिट्स कैसे कमाऊं डिस्काउंट्स ना देने पड़े क्रेडिट में माल ना देना पड़े मैं मार्केट के अंदर अपनी मोनोपोली आज भी क्रिएट करूं तो आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए आपने एक बार ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आपको जिंदगी में कभी किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के साथ आपको जाने की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास लोग कहते हैं जो कहते हैं हमने इस स्पीकर का सेशन अटेंड किया था हमने ये कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम लिया था हमने ये लिया था हमने वो लिया था मैंने कहा सर सेल्फ लर्निंग से बड़ी कोई लर्निंग नहीं है आपको आपके बिजनेस का मॉडल पता है आपको पता है आपके बिजनेस में क्या चैलेंज आ रहा है अगर मैं आपको सारे चैलेंजेस जितने भी आपके बिजनेस में चैलेंज आ रहे हैं उन सबका एक पावरफुल प्रोग्राम वीडियो के फॉर्म में दे दूं और फिजिकल आपका प्रोग्राम करा दूं एक कोच आपके हाथ में दे दूं जो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ 12 महीने चले सर उसके बाद आपको किसी किसी वेबिनार सेमिनार किसी भी सेशन को अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपके साथ कोई साथ होगा तो अगर कोई भी आप कोच भी अगर हायर करते हैं मैं यूजली ये बात सबको बोलती हूँ एक डेढ़ लाख रुपए का कोच मिलता है जो एक एक महीने के लिए आपके बिजनेस के साथ बिजनेस में आपको हेल्प करता है एक डेढ़ लाख रुपए लेने के और उसका बहुत नाम भी नहीं होता मार्केट में मैं बहुत ऐसे कोच की बात कर हूँ जिसका मार्केट में कोई नाम भी नहीं होगा अगर आप उससे कोई एक्सपर्टीज चाहोगे एक डेढ़ लाख रुपए लेगा और आपसे एक महीना आपको बिजनेस में वो कोचिंग मेंटरिंग करेगा बट एक डेढ़ महीने के बाद क्या एक डेढ़ महीने के बाद क्या होगा तो हमें ऐसा एक एक पावरफुल प्रोग्राम चाहिए जिसमें हमारी आजीवन लर्निंग रहे आजीवन लर्निंग मतलब सारी जिंदगी जब जब कोई नई नई चीज बिजनेस में आए वो उसकी लर्निंग मुझे मिल जाए तो वो आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कैसे मिलेगी हमने आपके लिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम में लाइफ टाइम मेंबरशिप का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब होता है कि बड़ा बिजनेस के अंदर इस टाइम पे हंड्रेड प्लस सौ से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं उन सो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस को, को देखकर कस्टमर को जहां कोई प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स देखता है उसकी वीडियो देखता है उसको समझ में आ जाता है अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता है उसको सॉल्यूशन मिल जाता है अभी तक हम सो कोर्सेज लीडरशिप सॉरी लाइफ टाइम मेंबरशिप में डाल चुके हैं और आगे भी जितने कोर्सेज हम लेते आएंगे वो सारे कोर्सेज आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि आप हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आप ये देखो कि एक साल की जर्नी जहां आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा से फिजिकल सेशन मिल रहा है आपको आपको कोविड फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे जूझने के लिए आपको एक पावरफुल ट्रेनिंग मिल रही है आगे इकोनॉमी कैसे मूव करेगी कौन सी इंडस्ट्रीज मूव करेंगी कैसे अपने बिज़नेसेस को पावरफुल रखो रिस्क फ्री रखो वो सब सीखने को मिल रहा है आपको एक कोच मिल रहा है जो बारह महीने तक आपको हेल्प करने वाला है आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप कोर्स जिसकी कॉस्ट एक लाख पांच हजार रुपए होती है आपको वो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है तो एक बार जैसे मैंने पहले भी बोला एक बार लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको दोबारा कोई भी कोर्स सेशन करने की जरूरत नहीं है सब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है अब हम आ जाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पच्चीस फ्रेमवर्क होते हैं कोच होता है आपकी हैंड होल्डिंग होती है कोच आपको कॉल करता है कोच इतने सिरफिरे होते हैं मैं आपको क्या बताऊं इतने सिरफिरे होते हैं जुनून होता है कि उनके मन में उनको ये टारगेट दिया गया होता है भाई तेरे को अपने बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनाना है तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आज से तीन साल पहले एक लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो हमने किया था उसमें एक छोटा सा बच्चा गर्वित नाम का बच्चा है पंद्रह साल का था टेंथ में फेल हुआ था उसकी मदर ने और फादर ने क्योंकि वो एजुकेशन में वीक था उसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन कराया था अब जब हमारा ये प्रोग्राम दोबारा आया तो मैंने उसको दोबारा कनेक्ट किया गर्व, आंटी गर्वित का क्या हाल है कैसा कर रहा है जितने पार्टिसिपेंट्स है ना उन सबसे बात करा दो मैंने बोला क्यों मैम क्यों बात करा दो कह रहे मैम आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद वो पंद्रह साल का बच्चा आज सिक्सटी सेवन करोड़ का टर्नओवर है करोल बाग में टेम्पर्ड ग्लास का सेकंड हाईएस्ट रिटेलर है बिजनेस का हमारी हमारी कम, हमारी हमारे फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है मेरे मैं हाउसवाइफ हूँ मेरे हस्बैंड जॉब में है उस फेल हुए बच्चे ने आज हमारा इतना नाम रोशन किया है मैम लीडरशिप फनर का कोई भी क्लाइंट हो ना मेरे से जरूर बात कराना तो मैंने बोला मैम डेफिनेटली और अब जो हमने कोर्स किया जो बैच किया उसमें वो वहां पर भी आए हुए थे तो एक गर्वित जैसे कितने गर्वित हमारे पास है जब आप आए और उनसे सुनेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हुआ अच्छा एक मुझे इसलिए विश्वास नहीं हुआ कि पंद्रह साल का बच्चा सिक्सटी सेवन करोड़ की टर्नओवर कर सकता है एक साल में यस ये सच्चाई है तो लीडरशिप अनर प्रोग्राम बहुत ही पावरफुल है अगर आपके पास फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं है या थोड़ा बहुत भी आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं पैसे को लीडरशिप फनल प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए एक बार का इन्वेस्टमेंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगी कोच एक साथ सोचो अगर पेंडेमिक के टाइम पे कोच आपको बारह महीने के लिए मिल जाए जो बिजनेस में आगे, आगे आप रिस्क लेने वाले हो या बिजनेस में जो आगे जो नुकसान होने वाले हैं आपको पहले से बच जाए आप उसको पहले से तैयारी करके चलो तो बड़े नुकसान से आप बहुत अच्छा पैसा बचा जाओगे तो बेटर है कि हम एक ऐसी तैयारी करें जब इंडिया और पूरे वर्ल्ड इस टाइम पे जूझ रहा है पैसे की मारा मारी है हेल्थ की मारा मारी है हम थोड़ा टेंशन फ्री होकर रहे कि भैया मेरे पास तो कोच है मेरे पास तो लाइफ टाइम मेंबरशिप है मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और डॉक्टर बिंद्रा से तो बारह महीने के बाद हमने मिलना ही

सिर्फ इस बैच के लिए जो हम 11, 12, 13 तारीख को कर रहे हैं वन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का आपको ये पड़ेगा नहीं तो नॉर्मल कस्टमर के लिए वन लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का है आप देख ही पा रहे हैं उसमें फिर आ जाते हैं आईबीसी, जो हमारे आईबीसी हमारे साथ आईबीसी बने हुए हैं या उन्होंने आईबीसी का प्रोग्राम ले रखा है और वो हमारे साथ अब लीडरशिप फैनल प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे करना है जो हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप के कस्टमर्स हैं तो लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दे है तो लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है वन का आपको सिर्फ ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम पड़ेगा इंस्टेड ऑफ वन और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो ये आपको डायमंड सीट नजर आ रही है जिसकी कॉस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज है ये सीट अगर आप इकतीस तारीख से पहले पहले लीडरशिप फनल प्रोग्राम बुक कर देते हैं तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री अब मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ कल मैंने एक कस्टमर से बात कर रही थी तो उस कस्टमर से मैंने पूछा कि सर आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में डायमंड सीट कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है बोले मैम डायमंड सीट सीट का क्या है सीट तो कहीं पे भी बैठ जाते हैं क्या ही फर्क है प्रोग्राम तो अटेंड करना है मैंने कहा नहीं सर आपको नहीं समझ में आ रहा लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या होता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम में 300 लोगों के बैच के अंदर विवेक सर हर कस्टमर की बिजनेस की प्रोफाइलिंग नहीं जानते प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये सीट्स आगे की 10 सीट होती हैं इन सीट्स पे जो लोग बैठे होते हैं उनकी पूरे बिजनेस की जन्म पत्री डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास नाइस के फॉर्म में एक फाइल के फॉर्म में प्रोग्राम से पहले ही पहुंच जाती है तो जब विवेक सर अपना पूरा पीपीटी का कंटेंट बनाते हैं उस कंटेंट में विवेक सर उनके क्वेश्चन आंसर्स डालते हैं सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक कस्टमर है जो टेम्पर्ड ग्लास के रिटेलर हैं अब आप चाहते होंगे कि आपके बिजनेस में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से पूछे फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बिजनेस में डिस्काउंट देना पड़ता है क्योंकि आपका करोल बाग में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा से पूछे कि मेरा सिक्सटी करोड़ का टर्न है मैं इसे हंड्रेड सीआर से ऊपर ले जाना चाहता हूँ लेकिन डिस्काउंट देता हूँ तो मेरा जो है है थोड़ा कम हो जाता प्रॉफिट मार्जिन जिसके कारण जो है हर साल मैं बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूं तो डॉक्टर बिंद्रा मुझे बताइए मैं कैसे हेल्प करूं तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ जो लोग डायमंड सीट बुक कर देंगे उन लोगों के ये क्वेश्चंस तो हम क्या जानते हैं हम आपका नाम जानना चाहते हैं आप कौन सी सिटी से हैं कौन से स्टेट से हैं आपका किस चीज का बिजनेस है आपके बिजनेस में क्या चैलेंज आ रहा है वो सारे क्वेश्चन आंसर हम आपसे पूछ लेते हैं एक फाइल एक फॉर्म के थ्रू वो फॉर्म आपके पास आ जाता है आपके जिस भी कंसल्टेंट आईबीसी के थ्रू आपने ये ज्वाइन किया है वो आपको जब आप पेमेंट कर देंगे आपको ये फॉर्म भेज देगा फॉर्म भेजने के बाद ये फाइल पूरी की पूरी बन के डॉक्टर बिंद्रा के पास चली जाएगी जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा लीडरशिप फनल प्रोग्राम का अपना पीपीटी स्टेज पे रन कर रहे होंगे तो पीपीटी रन करते वक्त उसमें उन्होंने आपके कुछ क्वेश्चन डाल रखे होंगे और उन क्वेश्चन को जब क्वेश्चन आंसर राउंड के बारे आएगी तो बोलेंगे भाई यहाँ पर रिटेलर थे एक टेम्पर्ड ग्लास के रिटेलर थे उनसे मैं बात करना चाहता हूँ आपने अपना ये क्वेश्चन दिया था अगर मैं आपकी जगह होता तो हमारे बिजनेस के हिसाब से आपको ये ये स्टेप्स लेने चाहिए तो सोचिए जहां चार लाख रुपए प्लस जीएसटी एक घंटे का एक कस्टमर अपने दो तीन क्वेश्चन पूछने के लिए डॉक्टर बिंद्रा को देता है वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपके क्वेश्चन डॉक्टर बिंद्रा स्टेज पे बुलाकर आंसर करेंगे मतलब एक लाख दो लाख रुपए जो भी आपने पे किया है एक तो आप फ्रंट सीट पे बैठेंगे जहां वीआईपी बैठते हैं दूसरा आपके जो बिजनेस में जिस बिजनेस से हमारा घर चलता है हमारा पूरी जिंदगी उससे चल रही है उसको रिजोल्व करने के लिए आपके पास उन क्वेश्चन को रिजोल्व करने के लिए उन प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद आंसर दे रहे हैं इट ग्रेट मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि डॉक्टर बिंद्रा आपके बिजनेस में जिसमें आप जूझ रहे हैं जिन जिन परेशानियों से आपको उसका आंसर दें तो ये है लीडरशिप फनल प्रोग्राम तो मैं यहाँ पर अब स्टॉप करती हूँ लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स लीडरशिप फनल प्रोग्राम से रिलेटेड है तो मैं अब अनम्यूट करूंगी जनता को लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम के बारे में अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आ, मैं बोलूंगी अः क्या नाम है एक बार इन सबको अनम्यूट कर दीजिए रॉबिन सर और अगर जो भी कोई क्वेश्चंस है कोई रेस करना चाहता है तो प्लीज मुझे बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर राउंड था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगी मैं आपसे सिर्फ प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करने वाला है किन किन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बनाया है आपको इससे क्या मदद बनने वाली है आपके बिजनेसेस में क्या हेल्प करने वाला है ये प्रोग्राम आपको किस तरीके का कंटेंट मिलने वाला है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बोली थी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सो आई कैन टेक फाइव क्वेश्चन आई एम श्योर जब एक कोई क्वेश्चन पूछता है तो पचास लोगों को अपना आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन में तो आई विल टेक वन क्वेश्चन और उसमें पचास लोगों को आंसर जरूर मिलेगा फिर भी अगर आपको आपका आंसर ना मिले एंड यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी तो आपको जिस आई ने इस प्रोग्राम का लिंक दिया है आप उस आईबीसी को कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं बिकॉज़ मैं हेड ऑफिस में बैठती हूँ तो मैं सारा टाइम हेड ऑफिस में अवेलेबल होती हूँ आप अपने आईबीसी को बोल सकते हैं कि निधि मैम से बात करा दीजिए मेरे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मैं निधि मैम से पूछना चाहता हूँ आप उस नंबर पर कॉल कीजिए एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद मी सो यहाँ पर मैं आ, आकाश भवसार जी करके एक है उनको अनम्यूट करो रॉबिन सर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है सबसे पहले मैं ये जानूंगी आपको सेशन कैसा लगा कल का सेशन कैसा लगा और अब आपके क्या क्वेश्चन है आई एम श्योर वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी दे दिए हैं कि प्रोग्राम किस तरीके का होने वाला है क्या क्या मिलने वाला है आपको प्रोग्राम में फिर भी इफ यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी सो ओवर टू यू सर बताइए क्या पूछना चाहते हैं आपको पहले मैं आईबीसी का इसके बाद में उसी को लेके ले आऊंगी आईबीसी क्या होता है पहले मैं लीडरशिप फनल के कुछ क्वेश्चंस ले लूं फिर मैं आपको अनम्यूट करवाऊंगी दोबारा चलेगा सर ठीक है मैम ऑलराइट सर थैंक यू रोमन प्रधान जी नारसिंह कुमार जी डॉक्टर राज प्यारे जी रोमन प्रधान, प्रधान जी रोमन प्रधान जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को रंजीत कुमार जी सब मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप बहुत ज्यादा कवर कर दिया है लाइफ टाइम मेंबरशिप भी हमारा डिस्काउंटेड हम कभी डिस्काउंट तो कभी हम देते नहीं है लेकिन फर्स्ट टाइम जो लोग लीडरशिप फनल प्रोग्राम मान लेते हैं जैसे अभी मुझे क्वेरीज आ रही है हमारे पास फंड्स की कमी है तो आप लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए भी एनरोल कर सकते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप आपके बिजनेस के अंदर सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं उनको उनको हेल्प करता है एचआर हो गया लीगल हो गया सेल्स हो गया मार्केटिंग हो गया आपके बिजनेस में जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको मजबूती देगा आपको हेल्प करेगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज का है ये एक लाख पांच हजार का हमारा प्रोडक्ट था तो मैम आपने शायद कुछ क्वेश्चन रेस किया है तो अनम्यूट किया है रॉबिन सर ने मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी हेलो यस मैम गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम मैम पहली बात तो यही कि मैंने फर्स्ट टाइम विवेक सर का सेमिनार अटेंड किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा काफी इंस्पिरेशन भी मिली है लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री से हूँ तो क्या मेरी यहाँ पे हेल्प हो सकती है मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप वेलनेस इंडस्ट्री से हैं और आप चाहते हैं कि आप लीडरशिप फनर प्रोग्राम ज्वाइन करें यस yes, मैम देखिए मैम वेलनेस इंडस्ट्री से हो आप किसी भी इंडस्ट्री से हो लीडरशिप फंडर प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ये चीज समझ में आती है कि बिजनेस के मॉडल्स क्या होते हैं तो उसका किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई लेना देना नहीं होता फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री से हैं आपको या किसी और बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में कस्टमर को लाने के लिए सिर्फ दो ही चीजें करनी पड़ती हैं या तो उसको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है कि कस्टमर मेरे पास आए या फिजिकल कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है जिससे कस्टमर उसके पास आए अब वो चाहे आप हो चाहे कोई और बिजनेस मॉडल हो चाहे कोई भी प्लास्टिक बेचता हो रबर बेचता हो पेंसिल बेचता हो नया कस्टमर लाने के लिए तरीका सेम रहता है पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए तरीका सेम रहता है तो जब आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम आपको स्ट्रेटेजीज बताता है कि मैं कैसे नए कस्टमर्स को लाऊं पुराने कस्टमर्स को कैसे लाऊं बिजनेस के ये सारे तरीके सेम रहते हैं चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप वेलनेस से हैं आपको इसमें पूरा फायदा मिलेगा कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं नया कस्टमर कैसे लाऊं घर पे बैठे बैठे डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूं जो मेरे एरिया में और एक्सपर्ट्स हैं उनसे ऊपर मेरा नाम कैसे रहे मेरी मेरा एनपीएस या मेरी सर्विसेज के बारे में लोग मुझे फाइव स्टार रेटिंग कैसे दें क्यों दें ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये स्पेसिफिक है कि मैं वेलनेस से हूँ आपकी बहुत लर्निंग होगी मैम आपको बहुत फीमेल्स आती नजर आएंगी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आई होप मैंने आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया मैम हाँ थैंक यू मैम मेरे बस यही डाउट था कि मैं इस चीज में मतलब किस तरह से अपने आप को कनेक्ट कर पाऊँ क्योंकि हमारी ऑलरेडी मीटिंग चलती है मैं हर्बल लाइफ से हूँ एक्चुअली जी अर्बन लाइफ का मेन मोटिव ये है कि वर्ल्ड को हैप्पी और हेल्थियर बनाना करेक्ट करेक्ट मिशन को लेकर आगे चल रही हूँ और इसी में मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इसे आगे प्रोग्रेस करूँ

का प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो कितना पावरफुल होने वाला है आईबीसी बन गए तो किस तरीके की आपकी जर्नी होने वाली है मैंने वो सब कवर कर लिया है इसी के साथ मैं आप सब लोगों के साथ विदा लेना चाहती हूँ so जितना भी दिन बचा है बहुत ही शुभ मंगल हो और मैं आगे से आप सब लोगों के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो आप लोग सब खुश रहे आगे बढ़े कामयाबी लें अपने पेरेंट्स का नाम आगे करें आप आपकी जिंदगी में जो जो चीजें आपने सोच रखी हैं वो आपको मिलती